नमस्कार जोहार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज़। झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा अब अपने समापन के नज़दीक है। दो दिनों में यानी आगामी 28 अक्टूबर को बाबूलाल की संकल्प यात्रा का समापन समारोह राजधानी रांची के हरमू मैदान में होगा। प्रदेश महामंत्री एवं बीजेपी मुख्यालय प्रभारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने बुधवार को इस विषय में जानकारी देते हुए कहा कि इस समापन कार्यक्रम को भाजपा भव्य बनाने की तैयारी में जुट गई है। वहीं इस कार्यक्रम की खास बात यह होगी कि इस दिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार संकल्प यात्रा के समापन में रांची के 6 विधानसभा क्षेत्र रांची, हटिया, कांके, मांडर, खिजरी और तमाड़ के कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के 312 अमृत कलश भी रांची लाए जाएंगे। प्रदीप वर्मा ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में बनने वाली अमृत वाटिका के लिए झारखंड के गाँव-गाँव से पवित्र मिट्टी का संग्रह किया गया है। राज्य के सभी 263 प्रखंड और 49 नगर निकायों के जमा किए हुए कुल 312 कलश भी संकल्प यात्रा के समापन कार्यक्रम के दिन हरमू मैदान लाए जाएंगे। ये 312 अमृत कलश राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपे जाएंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यक्रम की तैयारी के मद्देनजर बीजेपी कार्यालय में प्रदेश के नेताओं की एक बैठक हुई। इसमें राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, प्रदेश उपाध्यक्ष गंगोत्री कुजूर, प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, डॉक्टर प्रदीप वर्मा, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, समरी लाल, दीपक बंका और महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर शामिल हुई। नेताओं ने हरमू मैदान में बन रहे पंडाल का निरीक्षण भी किया। प्रदीप वर्मा ने बताया कि झारखंड के कार्यकर्ताओं का सौभाग्य है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यक्रम में शामिल होकर मार्गदर्शन करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं में राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्साह और उमंग है। वहीं जेपी नड्डा का झारखंड दौरा झारखंड भाजपा के टीम विस्तार को लेकर अहम मानी जा रही है। झारखंड की राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जेपी नड्डा के झारखंड दौरे के समय ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि सरयू राय की भाजपा में वापसी होगी या नहीं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाए जाने के बाद समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। झारखंड भाजपा से रघुवर दास की दूरी के बाद पार्टी सरयू राय को अपने साथ लाने को लेकर पूरी योजना बना रही है। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बार इस गुत्थी को सुलझा कर ही जाएंगे। साथ ही साथ झारखंड भाजपा में अन्य नेताओं को भी जोड़ने की बात चल रही है, उसका भी एक खाका तैयार किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की भाजपा में वापसी की अटकलें भी तेज हो गई है। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा चाईबासा से कांग्रेस सांसद हैं, वे कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि गीता कोड़ा भाजपा का दामन थाम सकती है। हालांकि अब जेपी नड्डा के झारखंड आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आलाकमान ने झारखंड भाजपा के लिए क्या रणनीतियां तय की है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहें द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।